नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की मौत के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा उफान पर है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल डॉक्टर के पाल को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राज्य मंडल से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिलाधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 12 लाख की आर्थिक सहायता के साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी देने की बात की थी, लेकिन अब सरकार इस बात से मुकर रही है, जिससे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है। वहीं ज्ञापन में परिवार को आर्थिक सहायता देने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी के साथ ही नोटबंदी और GST से पूरे राज्य के व्यापारी प्रभावित हुए हैं, जिसका सरकार सर्वे कराकर ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर उनकी समस्या का समाधान करे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गया था और महामहिम राज्यपाल जी से हमने आग्रह किया कि प्रकाश पांडे जी, जो हल्द्वानी के व्यवसायी थे, उन्होंने जनता दरबार में जो है जहर खा करके आत्महत्या करने का काम किया और उन्होंने सीधे तौर पर नोटबंदी और GST को इसके लिए दोषी ठहराने का काम किया। और जब प्रकाश पांडे जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर जिलाधिकारी द्वारा ये कहा गया कि हम मृतक के परिवार को जो है 12 लाख रुपया सरकार मुआवजा देने का काम करेगी और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है उनको सरकारी सेवाओं में उनकी योग्यता के अनुसार जो है नौकरी देने का काम करेगी और उसके बाद जो परिस्थितियाँ सामने आई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये कैसी सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है, आपसी समन्वय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज मुख्यमंत्री जी के बयान पर, सरकार के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जो है उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। कल मैं कई TV चैनल्स में देख रहा था कि जिसमें भाजपा के जो विधायक सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम कल जो है चेक जो है जो मृतक है उनके परिवार को मिल जाएगा। बंशीधर भगत जी का आप देख लीजिए किस तरीके से आज समाचार पत्रों में जो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा और कहा भी कि मैंने आपसे बात करने के बाद ये बात कही कि हम तत्काल प्रभाव से जो है 12 लाख रुपये नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन आपसी समन्वय नहीं है, सरकार किस तरीके से चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक तो हमारा बिंदु था कि भाई परिवार को जो है तत्काल सहायता और उनकी पत्नी को सरकारी सेवा देने का काम सरकार करे। दूसरी बात हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर नोटबंदी और GST से पूरे प्रदेश के व्यापारी जो है प्रभावित हैं और सरकार उनका जो है सर्वे कराने का काम करे ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना घटित ना हो और उनकी समुचित जो है सहायता करने का काम जो है राज्य सरकार और केंद्र की सरकार करे। और ये बातें हमने तमाम बातें जो है कही है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी से आग्रह किया है कि वो सरकार को निर्देशित करने का। सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक के हसूड़ी औसानपुर गांव में DM कुणाल सिल्कू ने चौपाल लगाया। कार्यक्रम में SP धर्मवीर सिंह, CDO अनिल कुमार मिश्रा समेत जिले के तमाम आला अफसर मौजूद रहे। चौपाल में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही चौपाल में आए फरियादियों की बात सुनकर उनके निदान के लिए DM ने संबंधित विभागों को निर्देश भी दिया। DM कुणाल सिल्कू का कहना है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार की योजनाओं को देखना व लोगों की समस्या का त्वरित निदान इस चौपाल का उद्देश्य है। वहीं SP धर्मवीर सिंह का कहना है कि चौपाल में लोगों को अपनी बात कहने के लिए सभी अधिकारी मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। वहीं चौपाल में आए फरियादी भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उनको चौपाल में अपनी बात कहने का अधिकार आसानी से मिल जाता है। वहीं गांव के प्रधान का कहना है कि लोगों की बात आसानी से सुनी जा सके, इसलिए जिले के आला अफसर से चौपाल लगाने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि आज इस आयोजन से लोगों को तमाम जानकारियों के साथ उनकी समस्या को भी सुना गया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, शीतकालीन भ्रमण जो है ये हिस्टोरिकली होते रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग भी आज यहाँ पर आए हैं। इसका दो तीन उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी हम लोग फर्स्ट हैंड दे सकें।
दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे स्कीम्स यहाँ पर चल रहे हैं उसकी प्रगति हम जांच सकें कि प्रगति कैसी है, अच्छी है नहीं है। और तीसरा उद्देश्य होता है कि जो यहाँ की जन समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, अगर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं पहुंच पा रहा है मुख्यालय पर या नहीं आ पा रहा है तहसील में, तो उससे हम लोग वन टू वन बात कर पाए। तो तीनों बातें आज कराई गई, यहाँ पर जानकारी भी दी गई, योजनाओं की समस्याएं भी तीन आई हैं, उसका निस्तारण कराया जाएगा और प्रगति भी समीक्षा की गई है। प्रगति मोटा मोटी ठीक है, कुछ चीजों में हल्की फुल्की कमियां हैं, वो ठीक करा ली जाएंगी। इस तरह के आयोजन से लाभ ही लाभ है, प्रशासन पुलिस का जनता से सीधे इंटरेक्शन, और जो ग्रामीण पुलिस या प्रशासन से बचते हैं या किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते हैं, तो पूरी सरकारी योजनाओं और पूरे विवरण के साथ उनके द्वार पर खड़ी है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। 14 जनवरी 2018 के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल से बने अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी, इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ हो जाता है, यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है, इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम स्टोरी। देखिए जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसी को मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य नारायण दक्षिण में विजय प्राप्त करकर जो उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, जिस दिन उन्होंने उत्तर की यात्रा शुरू करी तभी से उत्तरायण का पर्व मनाया जाने वाला है। ये एकमात्र पर्व ऐसा है जो पूरे देश के अंदर विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। विशेष तौर पर सूर्य नारायण का यह पर्व व्यक्ति के जीवन से लेकर फूल और बगीचों से लेकर तमाम पशु पक्षियों के अंदर नए जीवन को प्रदान करता है। उस नए जीवन के उत्साह के दिन को हम लोग मकर संक्रांति के रूप में, उत्तरायणी के पर्व रूप में, लोहड़ी के रूप में, पोंगल के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाते हैं। विशेष तौर पर हरिद्वार ही नहीं, तमाम पवित्र तीर्थों पर स्नान करने वाले लोग, तमाम तीर्थों पर, विशेषतः पवित्र तीर्थियों पर स्नान करने के लिए लोग तमाम तीर्थों पर जाते हैं, पितरों के प्रति दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, अपने पुरोहितों को दान देते हैं। हरिद्वार में भी हर की पौड़ी पर विशेष रूप से यहाँ पवित्र गंगा नदी के तट पर स्नान करना, पुरोहितों को दान देना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान इत्यादि करना। विशेष तौर पर आज के दिन तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन करना, तिल से बने हुए वस्तुओं का दान करना विशेष महत्व है। साथ ही गरीबों को कंबल बांटना ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आज के दिन, चूँकि हम उत्तराखंड के अंदर खड़े हैं, उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व के नाम से जाना जाता है, आज के दिन खिचड़ी बनाने का, खिचड़ी बांटने का, खिचड़ी दान करने का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति विशेष तौर पर उत्तराखंड में भी बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। उत्तराखंड
उत्तराखंड राजधानी देहरादून में शहर में फैली गंदगी, टूटी सड़कें, प्रकाश व्यवस्था पर रोष प्रकट करते हुए आज समाजवादी पार्टी महानगर इकाई ने पदयात्रा निकालते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष गुलफाम अहमद ने बताया कि आज निगम की हालत यह है, टूटी नालियां होने के कारण गलियों में चलना भी दूभर हो रखा है। वहीं हर गली मोहल्ले में नशे का कारोबार खुलेआम चलने से युवाओं में इसकी लत पड़ रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को निगम के कानून कामों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि सभी व्यवस्थाएं जल्दी ठीक नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। प्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। समाजवादी पार्टी यहाँ महानगर देहरादून के नेतृत्व में हम सभी लोग सम्मिलित रूप से और यहाँ पे जुलूस के रैली के माध्यम से डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी तमाम मांगे हैं, निकाय चुनाव स्तर पे खड़े हुए हैं, लेकिन आप देखिए आपके बगल में नालियाँ सड़ी पड़ी हैं। किसी भी वार्ड में, किसी भी निकाय में कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है। खाली सरकार जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए वार्डों की संख्या बढ़ा रही है। जो पहले के हमारे 60 वार्ड हैं उनकी हालत देख लीजिए, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उसके बाद भी ये जो है वार्डों की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं, न कहीं नालियों की व्यवस्था है, न कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न सड़कों की हालत सही है। सिविल लाइन क्षेत्र में लगातार हो रहे भवनों के अवैध निर्माण को लेकर अब एचआरडीए भी मुस्तैद नजर आ रहा है। पिछले दिनों भी कई अवैध रूप से बन रहे भवनों को सील किया गया था। वहीं आज रुड़की टागिस के पास एक दुकान का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा था। एचआरडीए ने दुकान के मालिक को काम रुकवाने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन दुकानदार की मनमानी के चलते आज आखिरकार दुकान को सील कर दिया गया है। दुकानदार का कहना है कि हम दुकान की मरम्मत करवा रहे थे, लेकिन दुकान के नए निर्माण कार्य को लेकर एचआरडीए को किसी ने गलत सूचना दी थी, इसीलिए उन्होंने निर्माण को सीज कर दिया। फिर भी इस बारे में एचआरडीए से वार्ता की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। ये तो एचआरडीए डिपार्टमेंट के थे और उनको थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि जैसे नई कंस्ट्रक्शन है, हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन ही कागज है, 1958 से कंस्ट्रक्शन हो रखी है पहले पुरानी, इनको हमने रिपेयरिंग कराई, इनको लगा नया वर्क कराया। हाँ जी, उन्होंने नोटिस दिया था, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, उन्होंने 2-5-7 दिन का टाइम दिया था, हम लोग उस समय यहाँ थे नहीं, तो हमें पूरा वहाँ कर नहीं पाए, इनकी फॉर्मेलिटी पूरी कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को शौचालय का निर्माण करा के सभी को प्रेरित करने का काम TLTS चैंपियन के टीम 1 व 2 ने बर्डपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिरोला के कंचनिया टोले में दोनों टीम व ग्राम प्रधान सुनील यादव ने मिलकर 5 दिनों से सभी ग्रामीणों को प्रेरित किया कि शौचालय सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिससे महिलाओं के घर में शौचालय होने से उनकी सुरक्षा बनी रहती है। CLTS की 10 सदस्यीय टीम ने लगभग अब तक 12 से 14 ग्राम पंचायतों को प्रेरित कर चुके हैं। शौचालय बनवाने के लिए सभी तैयार भी हो रहे हैं। वहीं कल रात CLTS टीम व ग्राम प्रधान सुनील यादव व ADO पंचायत मुनेर सिंह तथा दर्जनों ग्रामीणों ने रात में कैंडल मार्च करके सभी ग्रामीणों को शौचालय का निर्माण कराने के लिए प्रेरणा दी। सभी ने अपने हाथों में कैंडल लेकर पूरे गाँव में घूमते हुए नारा लगाते एक स्थान पर अपनी मार्च को समाप्त किया। इससे प्रेरित होकर एक ग्रामीण ने कहा कि इस योजना से लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिली है, अब सभी ने शौचालय बनवाने का निर्णय लिया है और जितनी जल्दी हो सकता है हम शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। स्वच्छता आणि स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे जिले को ODF करना है। इसी के तहत यह मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, कम से कम इससे भी लोगों में जागरूकता पैदा हो। CLTS चैंपियन टीम हमारे यहाँ 5 दिन से कार्य कर रही, सबसे पहले नोट ट्रेनिंग किया जिसमें शिवराम चौधरी जी, विनोद कुमार यादव जी, मनीष जी और इसके साथ साथ बिमला अवधेश ये सब यहाँ सुबह शाम, महेंद्र ये सब सुबह शाम पूरी तरह तत्परता के साथ ये लगे रहे, फॉलो किए, लोगों को प्रेरित किए कि लोग शौचालय बनाए और स्वच्छता का परिचय दें।